हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोहम्मद नगर में वार्षिक उत्सव सफल शवर के मुख्य अतिथि ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहम्मद नगर में सरपंच अर्जुन सिंह तवर के मुख्य अतिथि में वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने काफी शानदार व आकर्षक देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में उप सरपंच महावीर सिंह देवर, प्रधानाचार्य राधेश्याम PEEO, हेमराज पुरोहित, पूर्व सरपंच भामाशाह राम सिंह भाटी, रघुनाथ देवासी, खेताराम मेघवाल, विधायक प्रतिनिधि मोपाराम मेघवाल, वार्ड पंच मोहन सुथार, वार्ड पंच अमर सिंह राव, वार्ड पंच चौथा राम मेघवाल, विक्रम सिंह देवड़ा, पूर्व सरपंच लक्ष्मण पुरोहित, नारायण सिंह जी, हंसाराम घाची, किशोर पुरोहित, विद्यालय स्टाफ में अर्जुन सागर, भैराराम अशोक, अर्जुन सुथार, दुर्गा शंकर आदि की उपस्थिति रही। सरपंच अर्जुन सिंह तवर ने शिक्षा को जीवन का आधार बताते हुए नियमित अभ्यास व अध्ययन को सफलता की कुंजी बताई। साथ ही अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजने की अपील की। इस वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह में पधारे अतिथिगण, ग्राम पंचायत के वार्ड पंचगण, SDMC व SMC समिति के सदस्यगण, प्रधानाचार्य, PO क्षेत्र के अंतर्गत समस्त अध्यापकगण, कर्मचारी और प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अत्यंत हर्ष का दिन है कि विद्यालय प्रांगण में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा जो 10वीं 12वीं परीक्षा में भाग ले रहे छात्र छात्राओं से कड़ी मेहनत करें और अपने अच्छे परिणाम से पास होकर अपने विद्यालय और गांव का नाम रोशन करें और विद्यालय के विकास के लिए सदैव ग्राम पंचायत अग्रणी है। जो अभी थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल सर द्वारा कहा गया था कि 15 साल से यहां पे टीन सेट अभी तक व्यवस्था नहीं हुई है, बाकी स्कूलों में सब जगह हो गई है। मैं भी देख रहा हूं लगभग हर गांव के विद्यालय में ये तीन साइड की व्यवस्था है, जैसे भूमनी, नून, कालंद्री, डोडू, आसपास बहुत से गांवों में देखे हैं। और मैंने अगली साल ही कोरोना काल के हिसाब से सबको नहीं बताया था, लेकिन वो प्रस्ताव ले लिया है और लगभग 2 या 3 महीने में उसका काम चालू हो जाएगा। उसके अलावा जो इंटरलॉगिंग भी आपने कहा है वो मैं पंचायत समिति द्वारा जानकारी लेके यदि होता होगा तो संभवतः पंचायत द्वारा मैं वो भी काम कर दूंगा आपका। जागरूक टीवी के कालंद्री से सुरेश जुगनू की रिपोर्ट।